सब्सक्राइब कीजिए केडे घोष चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, केडे घोष चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको TNPSC मतलब तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जॉब है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9351 पोस्ट के लिए। इसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी पे। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 494 पोस्ट का वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट नॉन सिक्योरिटी के लिए 4096 पोस्ट का वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए 205 पोस्ट का वैकेंसी है। बिल कलेक्टर ग्रेड 1 के लिए 48 पोस्ट का वैकेंसी है। फील्ड सर्वेयर के लिए 74 पोस्ट का वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 156 पोस्ट का। टाइपिस्ट के लिए 3463 पोस्ट का वैकेंसी है एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 815 पोस्ट का वैकेंसी है। इसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन पे। दोस्तों, अगर आप विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको कोई भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आप जूनियर असिस्टेंट नॉन सिक्योरिटी, जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी, बिल कलेक्टर, फील्ड सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको 50% मार्क्स लेकर 12 पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप टाइपिस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको 12 पास के साथ साथ टाइपिंग स्किल भी आना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं नॉलेज ऑफ तमिल पे। जिन लोगों को तमिल आता है वो लोग तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को तमिल अच्छे से नहीं आता उन लोगों भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब में ज्वाइनिंग करने के 2 ईयर्स के अंदर आपको तमिल सीख के इसका एक एग्जाम देना होगा। अगर आप उस एग्जाम में पास करते हैं देन आपको ये जॉब परमानेंटली मिल जाएगा। अगर नहीं पास करते देन आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आता है एज लिमिट पे। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसके बाद आता है एज रिलेक्शन पे। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद आता है नेशनलिटी पे, वो रहेगा इंडियन। अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन विल बी मेड बाय रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप उस पर क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसके रिटन टेस्ट के लिए आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फीस पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी है 150 रुपीज एंड एग्जामिनेशन फी है 100 रुपीज। कुल मिला के हर एक कैंडिडेट को 250 रुपीज पे करना होगा। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई पे। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tnpsc.gov.in। आप सिर्फ इस वेबसाइट में जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 14 नवंबर 2017। तो दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 13 दिसंबर 2017। आपको इस डेट को ध्यान में रखना होगा क्योंकि 13 दिसंबर के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी थ्रू बैंक और पोस्ट ऑफिस है, मतलब ऑफलाइन में फीस सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2017। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इस लिंक को दे दूंगा, पर्टिकुलर इस लिंक को दे दूंगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से इसका फुल डिटेल्स तो चेक कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं देन आप सिंपली डाउनलोड हेयर पे क्लिक करना। जैसे ही आप डाउनलोड हेयर पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक न्यू टैब में आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को तमिल नहीं आता तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता सकती आपको। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको फिर से इस पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन के राइट साइड में जो क्लिक हेयर ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में आपके लिए अप्लाई ऑनलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है देन आप कॉमेंट में जरूर लिखना। अगर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसके लिए स्टेप बाय स्टेप पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब वैकेंसी के बारे में कोई भी इंक्वायरी है देन आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं एज सुन एज आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और नहीं पसंद है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।